अगली खबर में हम बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पुलिस अधीक्षक से एक महिला ने सुरक्षा की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि उसका पति बीएसएफ जवान है। 12 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन अभी उसे पता लगा कि 3 साल पहले पति ने उसे बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली है। जब उसने विरोध जताया तो पति ने उस पर फायरिंग कर दी। किस्मत से गोली उसे नहीं लगी, लेकिन पीछे खड़ा उसका भांजा छर्रे लगने से घायल हो गया है। उसे गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना पुलिस को कड़ी कार्यवाही के लिए कहा है। ग्वालियर के टेकनपुर पर रहने वाली उषा रानी राजावत ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी से शिकायत की है कि उसकी शादी 12 साल पहले 2010 में टेकनपुर एकेडमी में पदस्थ जवान राजू राजावत से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही वह उससे दहेज लाने की मांग करने लगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर आए दिन बड़ी बेरहमी से उसके साथ मारपीट करता था, जिसके बाद सन 2018 में महिला ने एक बेटी को जन्म दिया तो वह नाराज हो गया और बेटी पैदा करने का ताना देकर फिर उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया। जब महिला ने थाने में इसकी शिकायत की तो काउंसलिंग की गई, जिसके बाद उसका पति उसे समझा बुझाकर अपने साथ घर ले गया, लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा उसके साथ मारपीट करने लगा। इसी बीच 2019 में उसके पति ने उसे बिना तलाक दिए किसी और महिला के साथ शादी रचा ली। 3 दिन पहले 17 जून 2022 को महिला को पता चला कि उसके पति ने उसे बिना बताए किसी और महिला से शादी कर ली है। उसने इसका विरोध किया तो पति ने नाराज होकर अपनी लाइसेंसी 312 बोर की बंदूक से उस पर गोली चला दी। गोली चलते देख महिला नीचे झुक गई और बच गई, लेकिन गोली पीछे खड़े उसके भांजे को लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शिकायत सर ये है कि 17 तारीख को मेरे पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, फायरिंग करी। मेरी शादी 2010 में हुई थी, तब से मुझे प्रताड़ित कर रहे थे दहेज के लिए। फिर 2018 में मेरी बेटी पैदा हुई, 19 में उन्होंने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर ली। क्या करते हैं पति आपको? बीएसएफ एकेडमी में भी ड्यूटी है। फायरिंग कब की थी? 17 तारीख को इन्होंने फायरिंग करी। क्या मांग क्या सर? परेशान करते थे दहेज के लिए, बेटी क्यों पैदा हुई इसके लिए परेशान करते थे। शादी बिना डिवोर्स के इन्होंने आगरा में कर ली 28 नवंबर 2019 को। शादी के तो ये ड्यूटी से छुट्टी आते थे कुछ समय, फिर मुझे 14 में इन्होंने 2014 में मारा पीटी करी, तो फिर मुझे साथ में थोड़ी देर के लिए भेज दिया गया काउंसलिंग करके। थोड़ा समय अच्छा भी था, फिर दोबारा सर इन्होंने टॉर्चर करना परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने डबरा एसटीओपी को साहब को बोला है कि जाँच करें मामले की, एफआईआर अभी तक क्यों नहीं हुई। चाहती कि मुकदमा दर्ज उनको सजा मिले।